कहा था ना कि 10वीं बोर्ड के एग्जाम तो होंगे, तो भैया ये देख लीजिए आज की न्यूज देख लीजिए, ठीक है। राजस्थान बोर्ड की परीक्षाएं जो होंगी 10वीं क्लास की होना तय है। 12वीं की तो खैर होंगी होंगी, 10वीं की भी तय हो चुकी है। और जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी थी, अब भैया थोड़े आ जाइए पढ़ाई के मोड में, ठीक है। सीबीएसई चक्कर मत रह जाए राजस्थान बोर्ड में भी। सीबीएसई ने ठीक है भाई प्रमोट कर दिया है, पर देखो राजस्थान बोर्ड के बारे में क्या बोला है इस न्यूज में। आधिकारिक सूत्रों की माने तो राजस्थान बोर्ड की परीक्षाओं को करवाने के पक्ष में, राजस्थान बोर्ड तो भैया परीक्षा करवाने के चक्कर में है, ठीक है। ऐसे में स्थिति सामान्य होने के बाद 10वीं के एग्जाम करवा लिए जाएंगे। ध्यान दीजिए इस लाइन पर, एग्जाम तो करवा लिए जाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात क्या बोली उन्होंने, पैटर्न बदलने की गुंजाइश भी कम है। मतलब याद कीजिए कई बार जब पढ़े थे हमें तो 40% कोर्स कम कर दिया था, 60% कोर्स रहा था आपका, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन पेपर आने वाला बेटा वो 60% से ही आएगा। ये प्रिंट वगैरह ये सब बकवास काम अपना काम का नहीं है। 10वीं परीक्षा को करवाने के लिए बोर्ड ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है भैया, प्रपोजल भी भेज दिया है, प्रस्ताव भी भेज दिया है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए इस न्यूज़ को, कोई दिक्कत नहीं है। और 12वीं क्लास में भी यही है, ठीक है। 12वीं क्लास आपको पता है 2 साल से ऐसी की तैसी हो रही है बच्चों की, यहाँ पे पढ़ाई बच्चे कर नहीं पा रहे हैं, उनका बिल्कुल जो बेसिक्स है वो सारे उड़ गए हैं, कमज़ोर हो गए हैं। अब आगे बताइए कॉम्पिटिशन का जमाना क्या कर पाएंगे, 12वीं क्लास में क्या कर पाएंगे बताओ मुझे। जिन्होंने 9वीं 10वीं क्लास 8वीं क्लास में ढंग से मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी उनका क्या होना आगे जाके, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान नहीं पढ़ा, जिन्होंने बेसिक्स नहीं पढ़े उनका क्या होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरी बात जो है सीबीएसई का मैटर दोस्त कुछ अलग है, समझ रहे हो, सीबीएसई का मैटर भी अलग है, उनका पैटर्न सब कुछ अलग है, हमारा यहाँ पे अलग है। तो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम होंगे 10वीं की, अब भी बता रहे हैं, फिर कहेंगे सर बताई नहीं थी आपने, ठीक है, ओके। और दूसरी बात क्या अच्छी खुशखबरी है कि एग्जाम से 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा, समझ रहे हो, हाँ बिल्कुल, एग्जाम से 15 दिन पहले बता दिया जाएगा। युवान के चलिए अभी कम से कम आपके एग्जाम 25 दिन से पहले तो नहीं लगने वाली, तो भैया पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और 60% जो सिलेबस है उसी से पेपर तैयार किया जाएगा, डोंट वरी, जो पहले बताया था वही है, कोई पैटर्न नहीं बदला है कि भाई पैटर्न बदल गए हो इस चक्कर में आप कहीं आपका मूड फिर रहा हो। ध्यान में रखिए कि एग्जाम आपकी जून जुलाई में होने वाली है, कई बार भी ऐसे ही हुई थी, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड ने एग्जाम को लेकर 2 विकल्प दिया, खैर सीबीएसई से हमको मतलब नहीं, हम तो राजस्थान बोर्ड के स्टूडेंट है ना। तो भैया न्यूज़ आपके सामने, अच्छे से पढ़ लीजिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके पास मौका है अच्छी परसेंटेज बनाने का, समझ रहे हो। और अब भी नहीं पढ़वाए ना तो कोई मतलब नहीं आपके पढ़ने का, आपको 3-4 महीने एक्स्ट्रा मिले हुए हैं पढ़ने के, तब भी यदि आपने परसेंटेज अच्छी नहीं बनाई ना तो बेटा कोई मतलब नहीं निकलेगा इस पढ़ने का, ठीक है। सब पढ़ते रहिए 10वीं क्लास के, अपनी इस साल की पढ़ाई को अच्छे से चलाते रहिए। और 9वीं क्लास के जो बच्चे 10वीं क्लास में चले गए हैं, जो प्रमोट हुए हैं, वो अपने चैनल पर है ही, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए।